हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से लगे हुए भी होंगे अपनी प्रिपरेशन में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं वो है जो अभी CGI DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा अपने जाने से पहले एक अमूल्य प्रतीक जो सौंपा गया है हम सभी भारतीयों को। जी हाँ, जो न्याय की मूर्ति की जो तस्वीर थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है देखने के लिए मिला है। और 10 नवंबर को, जैसा कि सभी जानते हैं, जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो रिटायरमेंट लेंगे। उससे पहले उन्होंने एक मिसाल कायम की है, एक ऐसी चीज़ को परिवर्तित किया है जो सर ब्रिटिश काल के समय से चली आ रही थी, जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। जी हाँ, ये जो भी सामने आप देख रहे हैं ये न्याय की जो देवी हैं उनका स्टैचू है। और देखिए, स्टैचू में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले इनकी आंखों पर पट्टी थी, बट आप देख रहे हैं आंखों पर पट्टी हटा दी गई है। हाथ में पहले तलवार थी, बट देखिए हाथ में तलवार हटाकर हमारे संविधान की जो संविधान है उसको हाथ में दर्शाया गया है, जिस बात को दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर जो जस्टिस होता है, जो न्याय मिलता है, वो संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, हिंसात्मक तरीके से नहीं दिया जाएगा। संविधान सर्वोपरि है, सारा शासन प्रशासन न्यायपालिका सब संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी। और ये तराजू देके रखा गया है क्यों? क्योंकि समाज में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है कि समाज में हर वर्ग का व्यक्ति जो है क्या है, बराबर है। तो ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और क्या क्या चीज़ें किस चीज़ का प्रतीक है। मोस्टली सबसे पहले जो यहाँ पर संकेतात्मक बातें हैं वो ये हैं कि कानून अंधा नहीं है। भाई आंखों पर पट्टी क्या थी? मोस्टली बोलते थे कि कानून अंधा, आंखों पर पट्टी बंधी, उसे कुछ नहीं दिखता। हम इस चीज़ को कहाँ पर लेते हैं कि भाई वो निष्पक्षता से न्याय करता है, उसके सामने सब बराबर हैं, उसकी आंखों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या लगता था कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई, कानून अंधा है, बट उस पट्टी को हटा दिया गया है तो कानून अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नई लेडी जस्टिस प्रतिमा की आंखों पर पट्टी नहीं होगी और ना ही तलवार, उसकी जगह रखा गया अब संविधान। और ये जो नई प्रतिमा का अनावरण किया गया, प्रतिमा रखी गई है हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। जी हाँ, एक प्रतीकात्मक बदलाव है, जैसा मैंने अभी कहा आप सभी से कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की जो नई प्रतिमा, उसका अनावरण किया गया है। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग जो ड्रेस सेंस था उसको बदलकर भी जो शास्त्रीय नृत्य हमारा परिधान होता है हमारे इंडिया का, उसको वहाँ पर रखा गया है। देखिए, इसका एक पारंपरिक स्वरूप बदला गया है कि ऐसी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, जिसको मोस्टली निष्पक्षता का प्रतीक मानते थे, उसको हटा दिया गया है। प्रतिमा के बाएं हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह संविधान ने ले ली है। इसके अलावा जो हमारे न्याय की जो देवी थी, जो पश्चिमी वस्त्र यानी के वेस्टर्न ड्रेसेस में साड़ी पहनती थी, उसको भारतीय संस्कृति की पहचान में परिवर्तन कर दिया गया है। यह कदम क्यों उठाया गया है? कि भारत में न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, और जो एक न्याय की देवी का जो एक औपनिवेशिक रूप था, ब्रिटिश रूप था, उसको खत्म करने के लिए जो है ऐसा किया गया है। जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर स्थापित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पुस्तकालय में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया, जिसका संदेश यह है कि भारत में न्याय अंधा नहीं है, बल्कि हमारा जो जस्टिस है देश का, जो न्यायालय है, वो सभी को समान रूप से देखते हैं। और नई पोशाक भारतीय परंपरा के साथ गहरे संबंधों को रेखांकित करती है। जी हाँ, क्योंकि पहले जो ड्रेस थी, ठीक है, जो पोशाक थी वो किसको दर्शाती थी? वेस्टर्न कल्चर को दर्शाती थी। बट जो पोशाक अब न्याय की मूर्ति की रखी गई है वो किसको दर्शा रही है? भारतीय परंपरा को दर्शा रही है। ठीक है, यह परिवर्तन जो है अभी हाल ही में हमारे तीनों जो कानून थे, किनमें लॉस थे, उनमें भी परिवर्तन कर दिया गया। औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर बहुत सारे चेंजेस जो हैं किए गए हैं। हालांकि ये जो है सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के खुले और समान दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए, ठीक है, आंखों पर पट्टी हटा दी गई है। ये कह रही कि मेन मकसद क्या है आंखों से पट्टी हटाने का, कि जो न्यायालय है वो न्यायालय के खुले और समान दृष्टिकोण, कि न्यायालय का जो दृष्टिकोण वो खुला और वो समान, वो हर किसी को समानता की नज़रों से देख सके, इसको दर्शाने के लिए आंखों से पट्टी हटा दी गई है। बट दाहिने हाथ में जो तराजू है, न्याय का तराजू, उसको बरकरार रखा गया है ताकि दोनों पक्षों के जो तर्क वितर्क हैं उनको तोल सके, उनमें संतुलन बना सके। तराजू इसका प्रतीक है जो कि हाथ में एज इट इज़ रखा गया है। ठीक है, इस कदम से जो हमारी जुडिशी है उसके आधुनिकीकरण के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण का हिस्सा माना जा रहा है कि ये जो
कदम उठाया गया है हमारे CJI DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। यह किस चीज़ को दर्शाता है? न्यायपालिका के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के प्रतीक थे उनको पीछे छोड़कर संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक भारतीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फ्लैग का भी जो है अनावरण किया गया था हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि सभी के नॉलेजेबल वीडियो है। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।